हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो जी हाँ, बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ बुक्स लेके आए हैं यहाँ पे। तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था, कुछ बुक्स हमें बता दीजिए सर ताकि हमारा फायदा हो पाए और हम वहां से अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो आज के वीडियो में हम वही लेके आए हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ वही स्टूडेंट देखना जो जो रियली में 2024 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। बाकी के लिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर आपने गलती से ये वीडियो ऑन भी कर लिया है तो प्लीज आप स्किप कर सकते हो, कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रियली में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और रियली में नीट को क्रैक करना चाहते हैं 2024 में। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। और स्ट्रेटजी में हमने ये बताया है कि आप उन स्टूडेंट से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी एक बार आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। जैसे ही मैं बुक आपको बताऊंगा उसका स्क्रीन के ऊपर फोटो भी आपको दिख जाएगा, जिसका अवेलेबल होगा मैं दिखा दूंगा आपको। बाकी जो बेस्ट रिकमेंडेड मेरी तरफ से होगी मैं आपको बता दूंगा। कोई भी प्रमोशन वीडियो ये नहीं होने वाला। जो चीजें हमें लग रही है सिर्फ वही हम आपको बता रहे हैं, बाकी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि सबको लगता है, बायो के स्टूडेंट को, जरूरी नहीं सबको लगता है बट एक बनी हुई है बात कि लगता है सबको ऐसा कि ये फिजिक्स टफ होती है। तो फिजिक्स के लिए बात करेंगे तो बुक्स है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव के नाम से आएगी, स्टिकर आपको दिख जाएगा, फोटो ऊपर दिख जाएगी आपको अगर अवेलेबल है तो। इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक होती है। एनटीए की तरफ से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या फिर एनटीए जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनके क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। जैसे कि नीट, जेई मेन्स और बिटसेट के लिए ये अवेलेबल होती है। तो जेई मेन्स और नीट, कभी कभार तो जेई मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के वो डायरेक्टली एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए नीट के अंदर पूछे गए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप ये बुक जब सोल्व करोगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे की कुछ बुक्स के लिए। हर वीडियो के लिए यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको 3 से 4 बुक्स का बताऊंगा, तो जिसमें आपको जो अच्छी लगे तो उसको देख लेना। बाकी लास्ट में इंपॉर्टेंट बात इन बुक्स के बारे में क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो बुक को आती देखते है ए रहो। टू जेड फिजिक्स फॉर नीट, ए टू जेड के नाम से भी बुक मिल जाती है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि एनसीईआरटी के सारे लाइंस भी नोट्स भी इनके अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत सारे होते हैं, पीवाईक्यूज इनमें बहुत टाइप के रहते हैं। एक ही टॉपिक से एक ही चीज के इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हर एग्जाम में उनको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, डाटा देके या फिर हर जितने भी तरीके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इनमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है यूएसएस, जिसको बोलते हैं, फोटो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी सबकी, तो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यूएसएस ये खुद ये मैंने ट्राई करी थी यूएसएस, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। हालांकि नोट्स में इनसे नहीं पढ़ता था मैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करता था। तो बाकी आप खुद अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है। तो यूएसएस में काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें जो है, ज्यादातर ये नीट के लिए होती है तो जेई मेंस के लिए भी होती है, तो मैंने नीट वाली अपने लिए परचेज की थी। तो लास्ट में इनके बारे में मैं और आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी जो सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, वहां पर अपन ने फिजिक्स के लिए देखा था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, तो यहाँ पर है केमिस्ट्री के लिए। इसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक होती है, नीट एनटीए जितनी भी एग्जाम करवाता है, जैसे कि नीट, जेईई मेन हुआ और बिटसेट के लिए जो अवेलेबल है मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। और एक बात और कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल हो जाती है। कुछ बुक्स हो सकती हैं जो ओनली इंग्लिश मीडियम में होती हैं, जैसे कि एचसी वर्मा, तो मैंने उसको यहाँ पर प्रीफर नहीं किया क्योंकि इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं आपको वो सारी बुक्स बता रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इनको ले सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी दोनों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं ए टू जेड केमिस्ट्री फॉर नीट, तो ये भी अवेलेबल होती है, जेई मेंस वाले हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो ये नाम है इनका, तो स्क्रीन पे फोटो आपको दिख रही होगी, इस टाइप से आप देख लेना जो भी आपको अच्छे लगे तो उसके अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एंड यूएसएस यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबल फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाली भी, ये जो बुक है सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। जो अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के लिए भी ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपका मीडियम है। अब नेक्स्ट बात आती है बायो की।
फाइलोजी की बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या अगर आप ये बुक खरीदते हो तो इसमें क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं होते, बट ये नोट्स अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। तो अगर ये अगर आपको पढ़नी है बुक्स, इसमें क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट नोट्स के लिए ये आप ले सकते हो, प्लस उस नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि जिनके पास नोट्स नहीं है वो आप इसको देख सकते हो। अगर मेन बात करें बायो की, अगर ये बुक लेनी है नहीं लेनी, तो अगर आप ये रीड करोगे इससे अच्छा तो है कि एनसीईआरटी रीड कर लेना, ताकि आपको फायदा होगा। नेक्स्ट मैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भी बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी पंच बायोलॉजी की। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे नोट भी किए हुए हैं, 6500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, हर टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो ये वाली बुक आप आराम से ले सकते हो, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप इनको कर लेना, आपका मोर देन एनफ होगा। नेक्स्ट बुक की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बायो नीट, इसके नाम से भी आती है, फोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये बुक भी आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, नीट बायोलॉजी के नाम से आएगा, सॉल्यूशन नाम आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है 1988 टू लेके 2022 तक, आपको यहाँ पे इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यू, प्लस 23 के पेपर आपके पास होगा ही, अगर आपने एग्जाम दिया है 2022 का। तो अगर आपने नहीं दिया तो आप पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो आप वो चीजें देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको पढ़नी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ के आप क्वेश्चन कर सकते हो। और बायोलॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में कोई चीज समझ नहीं आती तो उसको आप ऑनलाइन देख लो कहीं पे, या फिर कोई आपका इन पास नोट्स है तो उनको आप पढ़ के चीजों को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना। तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अब इनको पढ़ना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना, ड्रॉपर्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर जिसने नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें 100 टाइम्स आप बेटर करोगे उन स्टूडेंट से जो बाकी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार जरूर आप उस वीडियो को देखना, और फिर अपना फीडबैक भी जरूर देना कि ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं। और अब मैं लास्ट में आपको बताने वाला था कि एक इम्पोर्टेंट बात, तो इम्पोर्टेंट बात ये रहने वाली है कि जो यूएसएस वगैरह जो बुक्स हैं वो आप सेकेंड हैंड की, जितनी बुक्स हैं वो सेकेंड हैंड आप परचेज कर सकते हो। इनकी हो सकता है प्राइस किसी के ज्यादा हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट आप प्रेफर करना कि सेकेंड हैंड बुक आप ले लो, ताकि उससे इजी रहेगा, कम बजट में आपको बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी ये वाली, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट थी। एक बात और भी है कि आपको ये बुक अगर आप सोल्व कर लोगे 2 से 3 बार, अगर आपका सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, तो ये दावे के साथ बात हो सकती है, तीनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कर ली इनको तो उसके बाद आप 650, 680, 700 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चन करके जाओगे आप जो नीट में आने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन से फ्रेम होंगे। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में कर लोगे तो उसके अलावा कुछ रह नहीं गया है दोस्तों। तो प्लीज आप एक बार ट्राई जरूर करना इन बुक्स को, जिनको जिनको जिनके लिए जरूरी है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो हम मैंने आपको बता दिए सारी चीजें। बाकी आप जैसे स्टोर पे जाओ तो वहां पे आप अच्छे से चेक करना सारी लैंग्वेज वगैरह, और अपने अकॉर्डिंग आप चीजें को परचेज कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी इस वीडियो से। अगर अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे सोल्व करने की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।